हेलो क्लास, वेलकम टू लेक्चर 3 ऑफ क्लास 9th फिजिक्स, व्हिच इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अब तक की क्लासेस में हमने डिस्कस कर लिया है इनर्शिया, मास, मोमेंटम, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इनर्शिया, इट वाज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी व्हिच सेज इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट इट स्टेज एट रेस्ट, इफ इट इज एट मोशन इट स्टेज एट मोशन। मास, इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, कि कितना इनर्शिया है किसी बॉडी का। सेकंड, मोमेंटम, इट इज द मेजर ऑफ मोशन इन अ बॉडी, इट वाज द मेजर ऑफ इनर्शिया, मोमेंटम इज द मेजर ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ आया, फर्स्ट लॉ ने कहा कि अगर एक बॉडी ऑब्जेक्ट कोई भी रेस्ट पे रखा है तो वो रेस्ट पे रहने वाला है अनलेस अंटिल हम उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स ना प्रोवाइड करें, और अगर वो चल रहा है तो वो रुकेगा भी नहीं अनलेस अंटिल हम उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स ना प्रोवाइड करें। सेकेंड लॉ ने कहा कि दी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कि किस रेट के साथ उस बॉडी का मोमेंटम चेंज कर रहा है, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू फोर्स, सॉरी फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। और इसके लिए फिर एक फॉर्मूला हमें मिला था, F equals m times a, p that is momentum was given by m into b, यानी कि मास टाइम्स वेलोसिटी। फिर थर्ड लॉ ने हमें बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई फोर्स लगाता है तो वो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम अमाउंट का फोर्स लगाएगा बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द सेकंड बॉडी ऑन द फर्स्ट व्हेन फर्स्ट बॉडी अप्लाइज अ फोर्स ऑन द सेकंड बॉडी। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर कंजर्वेशन लॉज, और फाइनली हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या लॉ या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंजर्वेशन लॉज की। अब तक आपने शायद इन लॉज का नाम सुना ना सुना। कुछ लॉज हैं फिजिक्स में जो बाय नेचर, मतलब बाय डिफॉल्ट सही मान लिए गए हैं, मतलब के कुछ एक्सपेरिमेंट्स हमने परफॉर्म किए और उनके जो रिजल्ट्स थे वो हमारे अजम्पशंस के हिसाब से ट्रू निकले तो हमने उनको लॉ का नाम दे दिया, और उनको फंडामेंटल लॉज भी कहते हैं। कंजर्वेशन लॉज आर फंडामेंटल लॉज, कि इनको किसी तरह से प्रूव नहीं किया जा सकता, इनको सिर्फ वेरीफाई किया जा सकता है किसी ना किसी तरीके से। मतलब हमने कोई एक्सपेरिमेंटल सेटअप बिठाया, उसके अंदर हमने 2-3 बार या 4 बार या बहुत हजारों बार कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसके जो रिजल्ट्स आए उस रिजल्ट्स के बेसिस पे हमने देखा कि जो हमारा जो हमने इनिशियली कोई अजम्पशन ली थी वो ट्रू बैठ रही है, मतलब कि वो जस्टिफाइड है, तो उसको हमने कंजर्वेशन लॉ के नाम देने शुरू कर दिए। कंजर्वेशन लॉज किस तरह के, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो इस तरह के कुछ बेसिक फंडामेंटल लॉज है फिजिक्स में दैट आर कंसिडर्ड टू बी ट्रू विदाउट एनी प्रूफ, और उनके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स हमने किए और उसके बेसिस पे हमें फाइनली पता चला कि हाँ ये ट्रू है, और इनको अगर डिस्प्रूव करना तो हमें सेम मेथड प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा कि कोई एक्सपेरिमेंट हम दोबारा से परफॉर्म करें जिसके रिजल्ट्स इसको कॉन्ट्राडिक्ट करें, मतलब जो इन लॉज का कहना है उनके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट ना आए। फॉर एग्जाम्पल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट, सॉरी, the charge on a system remains conserved unless some charge is added from outside. तो ये चीज़ disprove करने के लिए हमें एक system consider करके उसी system के अंदर कहीं से charge reduce करवा दें या destroy करवा दें जिससे उसके अंदर charge जो है initial और final state में अलग अलग हो जाए, तो उससे हमारा law of conservation of charge disprove हो जाएगा। पर ऐसा करना करीब करीब 3 centuries से तो possible हो नहीं पाया है। Law of conservation of momentum, it was founded about 3 centuries before. मतलब 300 साल हो चुके हैं कि हम इस law of conservation of momentum को पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं। अब तक फिलहाल इसको कोई disprove नहीं कर पाया। Scientists इसके हर बार जब भी कोई experiment है, तो इसके जो results हैं, वो in accordance to the law है। तो बात करते हैं आज conservation of linear momentum. It states that, तो इसकी पहले statement लिख लेंगे। It states that the total momentum of a system
remains conserved when no unbalanced force is acting on the system. मतलब ये, the total momentum of a system remains conserved when no unbalanced force is acting on the system. कि कोई भी collision, जैसे हमने ये दो balls का collision दिखाया कि initially एक ball A और ball B, mass A, initial velocity u A, mass m B, initial velocity u B, इसके साथ जब ये travel कर रहे थे और फिर इन finally collide करके A जो है वो velocity B A से travel करे, B जो है velocity B B B से travel करे, तो इनका जो total momentum है इस finally और ये initially इन दोनों का जो sum है, sorry sum नहीं, ये conserved है कि final momentum initial momentum के बराबर आएगा. तो इसको समझने के लिए हम इस तरह से कुछ लिख लेते हैं कि जो P initial है, मतलब initially इस सिस्टम का मोमेंटम था एम ए इंटू यू ए प्लस एम बी इंटू यू बी, और पी एफ यानी कि फाइनल मोमेंटम जो है वो ले लेते हैं, ए बॉडी ई ए से मूव कर रही है तो विल कॉल इट एम ए इंटू बी ए प्लस एम बी इंटू वी बी. टकराने के बाद बी ए और बी बी से ट्रेवल कर रहे थे, इनका जो मोमेंटम फाइनल आएगा वो इस तरह से दिया जाएगा. तो ये जो दो पी आई और पी एफ मैंने लिखे हैं ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. तो दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पी आई इक्वल्स टू पी एफ. इसका एक छोटा सा एनालिटिक मेथड कि किस तरह से हम इसको समझ पाए कि ये कहां से आया, एम ए बी ए एम बी 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 इक्वल्स एम यू एम ए यू ए और एम बी यू बी. तो हमें पता है कि कोलिजन के ड्यूरेशन में इसने क्या किया होगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगा होगा एफ ए बी, और क्योंकि हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है तो बी ने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया होगा, दैट विल बी एफ बी ए. इट मींस कि जब कोलाइड हुए ये दोनों तो ए ने फोर्स लगाया बी के ऊपर एफ ए बी, इसका नाम एफ ए बी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी, और दूसरी फोर्स हमने लिखी एफ बी ए, फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन ए. तो एफ ए बी को हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन से लिखने की कोशिश करते हैं, क्या होगा, इट इज इक्वल्स टू मास एम ए और चेंज इन मोमेंटम. तो चेंज इन मोमेंटम कैसा है, इस बॉडी के ऊपर चेंज इन मोमेंटम बी का फाइनली, सॉरी इसको दोबारा लिखने की कोशिश करते हैं, एफ ए बी इक्वल्स माइनस एफ बी ए. ऐसा क्यों, क्योंकि माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन को दिखा रहा है और थर्ड लॉ ने बताया था कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेंगी, तो इसको हमने लिख दिया एफ ए बी इक्वल्स माइनस एफ बी ए. तो एफ ए बी इक्वल्स टू एम ए इंटू वी ए माइनस यू ए, मतलब डिवाइड बाय एन, मास टाइम्स एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इज एक्सेलरेशन, दिस इज मास ऑफ ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए. तो ये हो गया फोर्स. तो इस फोर्स को और एफ बी ए को, दूसरी फोर्स को लिखेंगे एम बी इंटू वी बी माइनस यू बी अपॉन टाइम, क्योंकि फोर्स इक्वल्स टू मास टाइम एक्सेलरेशन हमें बताया था सेकंड लॉ में, एफ इक्वल्स टू एम ए. तो वही हम लिख रहे हैं एम इंटू ए. ए कैसे हुआ, ये चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो इन दोनों को
इन दोनों को जब हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं which was given to us by third law, तो f a b equals to minus f b a, so m a into b a minus u a upon t is equal to m b into v b minus u b divided by t. तो ये जो टाइम लगा है इसको चेंज होने में, तो दोनों के लिए सेम है, टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली हमने जो इक्वेशन इनिशियली लिखी थी दैट जिसको हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहा था, दैट वाज एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल्स टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी. तो ये हमारा रिजल्ट इस फॉर्मूला को रीअरेंज करने से, टाइम तो कट चुका है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जो माइनस माइनस का जो कंटेंट है वो उस तरफ चला जाएगा और इसको हम रीअरेंज करेंगे तो इस तरह से हमारा रिजल्ट आ जाएगा. सो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट है इस चैप्टर के लिए फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के लिए इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट और लास्ट क्लास के लिए हमारे पास बचे हैं न्यूमेरिकल्स. तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स और उसके बाद लेंगे एक डाउट क्लास जिसमें आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर पाएंगे. सो फॉर द टाइमिंग स्टे कनेक्टेड, कीप स्टडिंग. थैंक यू, स्टे ट्यून्ड.